जुहार हजारीबाग करते हैं नेटवर्क तो पूरा। हाँ, नमो कबड्डी, नमो फुटबॉल के बाद नमो कबड्डी और बॉक्सिंग जो है वो शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं, जो फुटबॉल ख़त्म हुआ है उसके बाद कबड्डी का मैच जो है यहाँ पे कोलंबस ग्राउंड में शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल जी हैं यहाँ पे, नमो कबड्डी आप देख सकते हैं, ये विधायक जी के सौजन्य से फुटबॉल का जो चलता आ रहा है उसमें आज कबड्डी भी जो है लड़कियों का होगा यहाँ पे कोलंबस कॉलेज ग्राउंड में। इसके लिए एक खास कबड्डी ग्राउंड बनाया गया है हजारीबाग में, सेंट कोलंबस कॉलेज ग्राउंड में। पीछे भी बॉक्सिंग का भी ग्राउंड चल रहा है। तो आज खेल दिवस है और खेल दिवस के शुभ अवसर पर ये दोनों खेल का जो स्टार्ट हो रहा है, अभी जो मैच चलेगा कोलंबस के बीच में मैच चलेगा और शायद अनंदा कॉलेज टीम है उसके बीच में मैच चलने वाला है। तो देखिए अब मैच शुरू होगा, कैसा इंटरेस्टिंग मैच होता है। आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं विधायक जी से, क्या है ये नमो सर खेल दिवस पे क्या है? सबसे पहले खेल दिवस का सभी खेल प्रेमियों को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये दिन महान इसलिए भी है कि ये आज के दिन में मेजर ध्यानचंद जी को केंद्रित करके ये दिवस को मनाया जाता है। और हम लोग आज के दिन में ये जो दो टूर्नामेंट है कबड्डी का और बॉक्सिंग का, इसका आयोजन कर रहे हैं नामों के बैनर तले। एक तो इस दिन की महत्ता को बढ़ा रहे हैं, साथ में नए नए आयाम को नामों के साथ जोड़ रहे हैं ताकि नमो एक ऐसा ब्रांड बने जो कि हर गेम को प्रमोट करने में हजारीबाग ही नहीं, पूरे अगर हम लोग का इच्छा रहेगा कि पूरे स्टेट तक ये ब्रांड जो है प्रमोट हो और यहाँ खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके खेलने का। अभी फुटबॉल का फाइनल हुआ है, काफ़ी अच्छा वहाँ भीड़ था कटकमदाग में, और उसके बाद फिर अभी जो हॉकी ये चल रहा है, तो इसके बाद क्या करना चाहते हैं, इसको आगे हर साल कंटिन्यू रहेगा कबड्डी और बॉक्सिंग? देखिए नमो फुटबॉल जो है एक चरण, पहला चरण हम लोग ये प्रखंडवार करते हैं, तो कटकमदाग प्रखंड का फाइनल अभी हुआ है, अभी 6 प्रखंडों में शुरू और अंत होना बाकी है। नमो, ये मैं बात आपको विश्वसनीयता के लिए बोल रहा हूँ कि ये फुटबॉल 2016 में शुरू हुआ था, अभी तक लगातार चल रहा है कोविड में जो प्रतिबंध थे उसको छोड़ करके। तो हम लोग कोई भी चीज़ को जन्म जो देते हैं या उसका जो शुरुआत करते हैं इस लक्ष्य के साथ करते हैं कि जब तक प्लेयर्स उपलब्ध हैं और एसोसिएशन खिलाते रहेंगे तब तक हम लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे उनको आगे बढ़ने का। तो ये जो आप व्यवस्था देख रहे हैं ये नमो के जो नमो टीम है उसके द्वारा स्थापित किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रायोजित है, और पूरा प्रयास है कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं अलग अलग खेल के, अभी आपने थोड़े दिन पहले कैरम देखा होगा कि कैरम का प्रतियोगिता हुआ, ये हुआ, अब दूसरे स्पोर्ट्स में भी हम लोग अपना दायरा बढ़ाएंगे। तो देखिए अब विधायक जी बोल रहे थे अब कबड्डी का जो है गेम वो शुरू हो गया है, तो ये कोलंबस ग्राउंड में अभी कैसे होता है, क्या रूल है कबड्डी का, क्या रूल होता है थोड़ा बताइएगा आप लोग, रूल बताएं थोड़ा कबड्डी का। हम लोग तो बढ़िया हैं, नहीं जानती है? नहीं। देखिए तो पता नहीं, देखिए कबड्डी स्टार्ट हो गया है ये बतल, अच्छा कोच के पास जाते हैं तो वो बताएंगे रूल हम लोग। मैडम क्या है कबड्डी का रूल, क्या होता है, कैसे जज करते हैं? सर अभी तो मैच हो रही है सर, मैच के दौरान अभी क्या मैं बोलूं? अच्छा आप रेफरी हैं? यस मैम। तो मैच का देखिए रेफरी, तो आप देख सकते हैं कोलंबस कॉलेज जो है वो पीली जर्सी में है और हरी जर्सी में जो टीम है उसके अगेंस्ट में खेल रही है कबड्डी का। यहाँ शानदार मैच नमो कबड्डी और नमो बॉक्सिंग का, एक तरफ बॉक्सिंग चल रहा है आप देख सकते हैं और एक तरफ जो कबड्डी है वो आप देख सकते हैं। तो किस तरह से जो कबड्डी का खेल कोलंबस कॉलेज में स्टार्ट किया गया है, नया प्रयास आप देख सकते हैं। ये देखिए तो बाहर ग्राउंड से निकल गए हैं, लड़ाई झगड़ा पूरा हो रहा है। बचपन में बहुत कबड्डी खेला गया था लेकिन कोई रूल से खेलता नहीं था, बस पकड़ लेना था। यहाँ 3-4 लाइन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर ये लाइन क्या होता है। आप लोग में से कोई रूल जानते हैं कबड्डी का, कुछ बता पाएंगे कोई? आप बताएंगे, प्लेयर बताओ, प्लेयर बताओ।
जैसे कि ये जो फर्स्ट लाइन जो आपको दिख रहा है ना, ये बक होता है, इसको जब तक रेडर क्रॉस नहीं करेगा तब तक रेडर सेफ नहीं होता, काउंट नहीं होगा, काउंट पॉइंट नहीं होगा। और उसके बाद जो और एक लकीर है उसको बोनस बोला जाता है, उससे बोनस लेने से एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा। और अगर बक नहीं भी टच करता है रेडर और कोई चला जाता है तो वापस चला जाएगा बिना कोई भी डिफेंडर को टच किए हुए, तो वो आउट हो जाएगा। टच करके वापस चला गया, टच करके पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। और लाइन एक लाइन टच करके गया तो वो लाइन टच करके बस गया तो वो सेफ है, सेफ है, मतलब आउट नहीं होगा, आउट नहीं होगा। और दूसरा लाइन टच करके गया तो बोनस होगा, एक पॉइंट मिलेगा। हाँ, वो बोनस का एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। कैसे, ये देखिए क्या हुआ, ये एक पॉइंट मिला, रेडर सेफ हो गया। अच्छा। तो कितना भी लोग टच करके करेंगे एक ही पॉइंट मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, जितना रेडर जितना भी टच करेगा उतना पॉइंट मिलेगा। अच्छा। जैसे ये अभी रेड गई, इसको रेड बोलते हैं, हाँ, ये रेड कर रही है। ये बक ले ली, अब ये सेफ हो गई, एक पॉइंट ले ली इसको। नहीं नहीं, पॉइंट नहीं मिला, वो सेफ, हाँ बस वो सेफ हुई है। ये कौन टीम किस जर्सी में है? देखिए जो अभी रेड कर रही है वो आनंदा की टीम है, और ये जो डिफेंस कर रही है वो सत कोलंबस की टीम, कोलंबस की पीली जर्सी में है और ग्रीन जर्सी में आनंदा की टीम है। तो ये कबड्डी कबड्डी बोलते रहना पड़ता है? हाँ, कबड्डी बोल 30 सेकंड तक बोला जाता है। अच्छा जी। हाँ, तो देख सकते हैं आप जो दो लाइन है यहाँ पे, एक लाइन को आप टच करेंगे तो बक हो जाएगा, मतलब आप सेफ हैं, और दूसरा लाइन टच करेंगे तो एक पॉइंट होगा। और रेडर है, ये दो रेफरी होते हैं, दोनों साइड में खड़े होते हैं। और ये जो बक लाइन है आपको हम दिखाते हैं, ये लाइन है, यहाँ पे अगर रेडर टच करके जाएगा तो सेफ हो जाएगा, दूसरा लाइन है जो यहाँ टच करेगा तो इसको एक पॉइंट मिलेगा, और इसी तरह से एक दो पॉइंट करके टच करके वापस आने का है। तो यही कबड्डी का खेल जो है वो कितना देर का होता है पूरा खेल? 20-20 मिनट का होता है सर ये। जी सर, कैसे काउंट करते हैं सर? हम लोग पॉइंट टच पॉइंट पे काउंटिंग होता है सर। तो एक बार टच करके आया तो कितना पॉइंट? एक पॉइंट मिलेगा सर, एक प्लेयर को हम टच करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा सर हमको। जो लाइन क्रॉस करेगा उसका बॉक लाइन होता है, बोनस लाइन होता है सर, बोनस लाइन हम क्रॉस करेंगे तो हमको एक पॉइंट बोनस मिलता है सर। बॉक में हम सेव ऑटोमेटिक अपने आप को सेव करते हैं सर, बॉक लाइन पॉइंट नहीं है सर। विनर और रनर कैसे घोषित होते हैं? वो लास्ट में काउंट होता है सर, जिसका ज्यादा पॉइंट होता है उसको विनिंग वो होते हैं सर। कितना राउंड होता है? फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दो, मतलब 20-40 मिनट का ही गेम है सर टोटल। जी सर, 15 मिनट्स का भी गेम। जी सर, तो यहाँ से क्या कोई लड़की है या लड़का है जो आगे कबड्डी में गया है? जी जी सर, नेशनल खेले हुए प्लेयर मेरे यहाँ गर्ल्स की। अच्छा, कहाँ है? यहाँ है? हाँ, यहाँ पे है सर। कहाँ तक है? वो नेशनल खेले हुए हैं सर, वो नेशनल। जी सर, झारखंड टीम से सर। अभी यहाँ पे नहीं है? राखी कुमारी सर। राखी जी बताइए, आप नेशनल खेली हैं तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो अभी लड़कियाँ खेल रही हैं, माहौल कैसा है? सर देखिए, नेशनल तक पहुँचना बहुत संघर्ष की बात होती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो जैसे मैं नेशनल खेली हूँ, वैसे मैं चाहती हूँ कि जो जूनियर्स गर्ल्स लोग हैं वो मेहनत करें और आगे बढ़े और नेशनल खेले, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे स्टेट के नाम रोशन करें। मैं नेशनल खेली हूँ जूनियर सीनियर, और अभी ऑफिशिएटिंग कर रही हूँ युवा कबड्डी सीरीज में। अभी आप ऑफिशिएट करें, मतलब रेफरी भी बन गई हैं, तो क्या मतलब आप पैसे भी कमा रही हैं? जॉब है आपका क्या? सर जॉब नहीं है, ऑफिशियल के लिए जो रहता है सैलरी वगैरह वो मिलती है। परमानेंट ऐसा नहीं है? नहीं सर, अभी तक मैच होगा आप जाएंगे? जी सर, ऐसा फिक्स भी नहीं है सर कि जब भी मैच होगा तब मुझे ही बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रिवाइवल ऑफ रेफरीज होते रहते हैं, और मतलब इसमें ऐसा है कि मैं चाहती हूँ जहाँ तक मैं नहीं पहुँची, जो जूनियर्स गर्ल्स है वो लोग आगे तक पहुँचे। और हाँ, आगे हाँ आइए। तो अभी मेरे साथ हैं, देखिए रंजन जी हैं और विधायक जी के साथ रहते हैं हमेशा। तो रंजन जी थोड़ा इधर आ जाइए, ग्राउंड की तरफ आ जाइए। हाँ, कैसा चल रहा है नमो फुटबॉल के बाद, नमो कबड्डी क्या है? देखिए, नमो फुटबॉल टूर्नामेंट जिस पवित्र उद्देश्य के साथ सदर विधायक माननीय श्री मनीष जायसवाल ने शुरुआत किया, वह अब मूर्त रूप ले रहा है। और ना सिर्फ फुटबॉल में, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हम लोग के ऑफिस में कैरम टूर्नामेंट हुआ जिसमें 50 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, और अब कबड्डी और इसका टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसका उद्देश्य था कि हजारीबाग से प्रतिभावान खिलाड़ी को, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना जिससे उनकी प्रतिभा निखर कर समाज के सामने आए और वह
न सिर्फ गांव तक सीमित रहे बल्कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराए। यहाँ पे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वो भी आज इस टूर्नामेंट में आकर के अपने जूनियर लोग का हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह जो प्रयास है यह खिलाड़ियों के लिए संजीवनी का काम करेगा और उन्हें यहाँ से निखार करके आगे तक बढ़ाने का काम करेगा। देखिए किस तरह से नमो बॉक्सिंग और नमो कबड्डी ये दोनों टूर्नामेंट जो है वो चल रहा है यहाँ कोलंबस कॉलेज ग्राउंड में। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है तो वो लोग देखने भी आ रहे हैं यहाँ पे। और कबड्डी का खेल इतना आसान नहीं होता है, देखने में लगता है कि काफ़ी आसान है लेकिन फिर भी इसमें भी चैलेंजेस होते हैं, टफ होता है मैच। और वही देखने के लिए जो लोग हैं यहाँ पे, बाकी टीम भी जो है मेंस की टीम अभी यहाँ पे बैठी भी है मैच खेलने के लिए। ऑफिशियल टाइम आउट हो गया, ठीक है टाइम आउट हो गया। तो यही है कॉलेज का ग्राउंड है कोलंबस का, नमो कबड्डी और नमो फुटबॉल यहाँ पे चल रहा है आज स्पोर्ट्स दिवस के दिन में। और कोई स्पोर्ट्स की स्टोरी हम लोगों को मिलेगी तो हम लोग ज़रूर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।